ये मैं टिकटॉक वालों से चोरी करके आया था, ठीक है। टिकटॉक वालों की चोरी की हुई बंदूक है ये, देखो ऐसे चलती है। तो हाँ, तो भाइयों क्या हाल है आपके और कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी हम जा रहे हैं दरगाह पे, हमारे घर के करीब ही एक दरगाह, बाबा सुमर फकीर की दरगाह है। तो हाँ, तो भाइयों हम पहुंच चुके हैं दरगाह में। चले उस्मान, चलो चलो। चप्पलें चप्पलें यहाँ पे किसकी चप्पल पहन के जाऊँ, मैं तो अपनी पहन के जाऊँगा। तो हाँ, तो भाई हम अभी आ गए हैं दरगाह से बाहर। अबे पागल है क्या, मेरा व्लॉग और तू बना रहा है? ये दे मेरा व्लॉग है। चलो हाँ, तो भाइयों हम आ चुके हैं दरगाह से बाहर और अभी हम दोनों घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? घर जा रहे हैं। चाय वाय पिला हुए? नहीं नहीं भाई, ऐसे काम नहीं। तेर से यही उम्मीद थी तू चाय पिलाता है। तुम पिला दो, मैं चाय पिलाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आ जाओ। होटल कौन सी पे चलने बस दिल आप करना, ठीक है। तो हाँ, तो भाइयों घर वापसी आ चुके हैं हम और उस्मान अभी घर जा रहा है। तो सही है उस्मान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या लेने आया? नान लेगा। कौन सा नान खाएगा? अपने स्पेशल नान है। घर वालों के लिए नान वान लेने आए हम। उस्मान और औरम से मेरे साथ हैं। Approximately 10 hours later. अभी बज रहा है एक, मैं अभी उठाऊं क्योंकि रात को मैं 2 बजे 2:30 बजे के करीब आया था सलातु तस्बीह से। और अभी मैं नहाने लगाऊं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे। कपड़े मैं चेंज नहीं करूँगा, कपड़े यही सही हैं क्योंकि मैंने ये कल ही पहने थे कपड़े। नहा कर आ गया हूँ और अभी देखते हैं खाने में क्या है। भूख बड़ी लगी है। सालन में हमारे पास भिंडियाँ जो कि मेरी फेवरेट हैं। खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फाइनली रोटी वोटी खा ली है, अब मैं छत पे आया हुआ था। मौसम ऐसा ज़बरदस्त हो रहा है, जोजो की कसम खा के बता रहा हूँ। व्हाट? जोजो की कसम खा के बता रहा हूँ। जोजो के नाम से तो पता पड़ गया ही होगा कि किसके बारे में कर रहा हूँ। हमारा जोजो जोगिंदर के बारे में, थारा भाई जोगिंदर। यार दर्द हो रहा है, दर्द तो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। पता नहीं कैसे मारता है वो जो 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 गिंदर। इधर हमारे दर्द हो रहा है, सीना फट जाएगा। अरे अभी तो सबर करो, अभी तो हम YouTube पे धमाल मचा देंगे। अभी तो हफ्ता हुआ है हमें, सबर करो बेटा, रुको जरा सबर करो, फिर उसके बाद हमारा कमाल देखना तुम। जूते के कलर से ना मैंने गाड़ियाँ चेंज करनी है इंशाल्लाह। बस आप सपोर्ट करो भाई हूँ तुम्हारा, ठीक है ना। और हाँ, जो मेरे को सब्सक्राइब नहीं करेगा उसके साथ क्या शेयर करना चाहिए? ये देखो, ये मैं टिकटॉक वालों से चोरी करके आया था, ठीक है। टिकटॉक वालों की चोरी की हुई बंदूक है, ये देखो ऐसे चलती है। तम, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। काफी दिनों से नानी के घर नहीं गए हुए थे तो अभी नानी के घर जा रहे हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे शहर ने भी तरक्की कर दी, स्टेशन बन गई है। आजाद कह रहा है कि मेरी ये शदादपुर के बोर्ड के सामने एक वीडियो बना लो टिकटॉक की, तो इसकी अभी टिकटॉक वीडियो बनानी है मैंने। अगले बोर्ड पे जाके बनाएंगे, ये तो बिल्कुल खड्डे लगे पड़े। कौन हो तुम? माहिष्मती के होने वाले सम्राट बाहुबली। ये देखो एक धक्के देना मेरी ये ट्रेन चली जाएगी। A few moments later. 5 मिनट के अंदर यहाँ पे बारिश वाला मौसम हो गया है और चारों तरफ मट्टी मट्टी चल रही है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो सारी जगहों पे मट्टी मट्टी हो गई और सज्जाद का मट्टी दशर देखो क्या हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ से आ गई। नहीं तुम्हें साइड तो पता नहीं क्या हो रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है बारिश होगी या बता दो? नीचे ना मिट्टी मिट्टी चल रही है, बारिश कर दो। वैसे व्यू तो ऐसा जबरदस्त आ रहा है, हवा ही हवा हो रही है यहाँ पे। अगर बारिश हो गई ना हम तो पूरे भीग जाएंगे। हम लोग नीचे थे ना तो बर्फबारी हो रही थी, ऊपर है स्नोफॉलिंग होने लग गई है।
नीचे बर्फबारी हो रही थी, ऊपर स्नो फॉलिंग हो रही है, इसका क्या मतलब है कि नीचे बर्फबारी हो रही थी ऊपर स्नो फॉलिंग? इसका मतलब है नीचे मजा है ऊपर भी मजा है। अभी हम जा रहे हैं शूट पे, सज्जाद की टिकटॉक वीडियो शूट करनी है शहदादपुर वाली साइड पे, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ना शहदादपुर का, वहाँ पे हम इसकी वीडियो शूट कर लेंगे टिकटॉक की। और अभी यार चारों तरफ धुंध हो रही है, आपको क्या बताऊँ, धुंध वो वाली धुंध नहीं, मट्टी वाली धुंध हो रही है। ये था हमारे शहदादपुर का स्टेशन और अभी हम घर जा रहे हैं, घर वापसी आ गया हूँ। व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो भी लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।